हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन। ये आज हमारा एडोब इलस्ट्रेटर का क्लास थर्ड है, जिसमें आज मैं आप लोगों को ग्रुप सिलेक्शन टूल के बारे में बताने वाला हूं। ये ग्रुप सिलेक्शन टूल आपको यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के नीचे मिलता है। इसका हम कैसे यूज करेंगे आज हम ये जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, सिंपली लाइक दिस वे। उसके अंदर मैं कुछ शेप्स एज अ सर्कल टाइप में ड्रॉ कर लेता हूँ। तो शिफ्ट को होल्ड करके हम यहाँ पर कुछ सर्कल्स क्रिएट कर लेते हैं। अब सेम सर्कल मुझे यहाँ पर एक और चाहिए, तो सिलेक्शन टूल से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ऑल्ट को होल्ड करके इसकी एक कॉपी निकालेंगे यहाँ पर। अब आप इसकी मल्टीपल कॉपी इसी पैटर्न में निकालना चाहते हैं, आपको अब कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है। जब आप ये प्रेस कर देंगे तो आपके पास ये मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगी। अब हम इसी की कॉपी एक नीचे निकालेंगे, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इन सभी को सिलेक्ट करके ग्रुप कर दीजिए। एक को हमने सिलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से, उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके आप सेकेंड को सिलेक्ट करें, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब इसको आप ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप करने के लिए आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल जी, ये ग्रुप हो जाएंगे। ग्रुप होने के बाद अब आप इसकी एक कॉपी निकाल लीजिए। ऑल्ट को होल्ड करके आप इसकी एक कॉपी निकाल लीजिए, बिल्कुल स्ट्रेट कॉपी निकालनी है तो शिफ्ट को भी होल्ड कर लीजिएगा, ताकि एक स्ट्रेट कॉपी इसके नीचे बिल्कुल हमारे पास आ जाए। अब माउस को रिलीज कर दीजिएगा। अब हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसकी एक और कॉपी निकाल लेंगे। अब इस रेक्टेंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। देखिए, हमारे पास कुछ इस तरह का शेप पैटर्न बन चुका है। अब देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें बताता हूँ कि ग्रुप सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में एक्चुअली फर्क क्या होता है। देखिए, मान लीजिए मैं सिलेक्शन टूल यूज करता हूँ, और सिलेक्शन टूल से जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है। देखिए, ये पूरा ऐसे सिलेक्ट हो जाता है, जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है वो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाता है, मैं किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट नहीं कर सकता। मान लीजिए मैं इस रेक्टेंगल का सिर्फ एक पॉइंट सिलेक्ट करना चाहता हूँ। देखो, अगर मैं इसका एक पॉइंट यहाँ सिलेक्ट करता हूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, अगर मैं सिलेक्शन टूल से काम करूंगा। देखिए, सिलेक्शन टूल है और मैं इसका अगर एक पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है, गॉट इट। अब मैं अगर इसको मूव करूंगा किसी भी पॉइंट को पकड़ के, तो वो पूरी शेप को हमारी को मूव कर देता है। आप देख सकते हैं पूरी शेप को हमारा ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन दूसरा जो टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं इसका एक पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ तो एक ही पॉइंट मेरा सिलेक्ट हुआ है। अब अगर मैं इसे मूव करूँ तो यही पॉइंट मेरे पास जो है मूव होगा, देख सकते हैं यही पॉइंट मेरा मूव हो रहा है, दूसरा पॉइंट जो भी है मेरा मूव नहीं होगा। मैं कंट्रोल जेड करके इसको अंडू कर देता हूँ। ओके, अच्छा एक चीज देखिए, अगर मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, तो ये सर्कल मेरा सिलेक्ट हो जाता है, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करने से पूरा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर मुझे इसका एक पॉइंट कोई सिलेक्ट करना है, तो मैं उसका एक पॉइंट भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आप उसका एक पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इसका सिर्फ यही पॉइंट सिलेक्ट होगा। अब मैं इसको कहीं से भी मूव कर सकता हूँ, देखिए पकड़ के, तो यही पॉइंट जो है मेरा मूव होगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये पॉइंट सिलेक्ट होगा और यही पॉइंट मेरा मूव होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ग्रुप सिलेक्शन टूल का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, तो एक ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट हो गया पूरा। अगर मैं उसके चारों पॉइंट सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो सेंटर पे क्लिक करेंगे। लेकिन मान लीजिए मुझे तो ये पूरे आइटम सिलेक्ट करने थे, क्योंकि ये पूरे ग्रुप थे, एक ऑब्जेक्ट था, हमने इनको ग्रुप किया था। तो आप क्या कीजिए, आप ग्रुप सिलेक्शन टूल का यूज कीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर एक क्लिक करते हैं तो एक सिलेक्ट होता है, देखो, और जैसे ही आप दूसरे पे क्लिक करते हैं तो वो पहला वाला अनसेलेक्ट होके दूसरे को सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन अगर मुझे पूरा ग्रुप सिलेक्ट करना है तो आप इस पर डबल क्लिक कर दीजिए, आप देख सकते हैं पूरा सिलेक्ट हो चुका है। इससे मैं फायदा क्या होगा, अब आपने सभी ऑब्जेक्ट ग्रुप कर रखे थे, मुझे ऊपर वाले में सभी में कलर रेड करना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर एक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जितने भी सर्कल हैं किसके साथ ग्रुप हैं। तो दो बार क्लिक कीजिए, ये ऑलरेडी हमें पता लग गया ये हॉरिजॉन्टल पैटर्न में आपस में एक दूसरे के साथ ग्रुप है। अब मुझे इसमें कलर फिल करना है, तो यहाँ पर हम जाएंगे फिल कलर पे, और इसमें कोई भी कलर हम यहाँ से कलर पे जाके फिल कर देंगे। कोई भी कलर आप यहाँ से बना सकते हैं, तो हम इसमें एक कलर यहाँ पर ये देखिए फिल कर देते हैं। यहाँ से आप कलर का जो रेशियो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं, डार्क करना है तो डार्क, लाइट करना है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले लीजिए आप। तो इस तरीके से हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए दूसरे में कोई कलर फिल करना है आपको सेम पैटर्न में, तो इस पर आप आइए और दो बार क्लिक कीजिए, एक दो, पूरा पैटर्न सिलेक्ट हो गया। इसमें भी हम एक कलर फिल कर देते हैं लाइक दिस में, अगेन हम करते हैं एक दो, नेक्स्ट कलर, देन अगेन वन टू एंड नेक्स्ट कलर। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड ग्रुप सिलेक्शन टूल। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपस में एक दूसरे अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा जो ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्लास नंबर 4th में, नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट दोस्तों।
पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।